वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रफीउद्दीन, एसआरके न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के अहम तफसीलात। नाजरीन, यौमे जमहूरिया 26 जनवरी के दिन 72वां तिरंगा परचम एसआरके न्यूज चैनल ऑफिस पर जनाब सोमेश्वर सिंह राणा साहब के हाथों लहराया गया है। इस मौके पर एसआरके न्यूज चैनल की स्टाफ टीम की मौजूदगी में मोहम्मद रफीउद्दीन चेयरमैन ने यौमे जमहूरिया की तकरीर करते हुए और नेशनल एंथम के साथ तिरंगा परचम लहराया है। फिर उसके बाद नेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन हेड ऑफिस संतोष नगर कॉलोनी जोहार नगर कापरा मंडल मेडचल मलकाजगिरी जिले में भी तिरंगा परचम लहराया है। आइए देखते हैं एसआरके न्यूज चैनल ब्रॉडकास्टिंग की तफसील रिपोर्ट। 72वां 26 जनवरी की आज़ादी पर हमारे सोमेश्वर सिंह राणा साहब आज फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं एसआरके न्यूज चैनल पर। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा जाविल उच्चल वंगा विंजय माचल यमुना गंगा उच्चल गलसितरंगा। तब शुभ नागे जागे तब शुभ आशीष मागे जाए तब जय गाता। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर आज नेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से आज नेशनल ऑफिस पर आज फ्लैग होस्टिंग किया गया है, जिस पर मैं तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। नेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट और तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। आज मैं सभी भारत के वासियों को रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। यौमे जमहूरिया 26 जनवरी पर तकरीर, आज की इस तकरीब के इज्जत माप एसआरके न्यूज़ चैनल के चेयरमैन यानि माई मोहम्मद रफीउद्दीन, आप तमाम हाजरीन और नाजरीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस पैगाम को हमारे हिंदुस्तान के सभी अवाम तक पहुँचाए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे आज़ाद भारत का कोई अपना कानून ना था। इस कमी को पूरा करने और दस्तूर मुकम्मल करने के लिए दस्तूर साज कमेटी तश्किल दी गई। हमारे मुल्क का कानून 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में जारी किया गया। तब से हर साल यौमे जमहूरिया का जश्न हम सब मजहब की आवाम और एकजुट होकर मुल्क भर में बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। आप सभी आवाम वाकिफ़ है कि आज हम सब यहाँ 26 जनवरी यानि यौमे जमहूरिया की खुशी मनाने के लिए एक जगह होकर आज हम 72वां यौमे जमहूरिया मना रहे हैं। भारत का दस्तूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने बड़ी अंतक मेहनत और दिल जमाई से 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में मुकम्मल किया था। हमारे मुल्क का दस्तूर दुनिया के तवील तरीन दस्तूरों में से एक है। आज खुशी के इस मौके पर हम सब खुलूस व मोहब्बत वतन के अजीम रहनुमाओं और शहीदों जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अशफाकुल्ला खान और हमारी फौज वीर जवानों को भी याद करते हैं। हमारे मुल्क भारत को जमहूरी मुल्क बनने कई दहाइयाँ गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क फसादात, जुराइम और रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, समाजी बराबरी, बेरोजगारी और दहशतगर्दी जैसे संगीन मसाइल से दो चार है। हमारे मुल्क के दस्तूर ने हर फर्द को अपने मजहब और इसकी तबलीग करने की आज़ादी है। हर फर्द को अपने जहालत के इजहार की आज़ादी है। अपने मदारिस कायम करने की आज़ादी है। उसूल व इंसाफ और मसावत का हक हासिल है। इसी तरह दस्तूर ने हम पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद की है, जैसे सबके साथ प्यार व मोहब्बत से रहना, नफरत ना फैलाना, वतन से मोहब्बत करना, वतन की हिफाजत करना, मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करना वगैरह हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए। इस मुल्क के हर शहरी को चाहिए कि वो मुल्क के दस्तूर की इज्जत करे और दिल से भारत के कानून पर अमल करे। तालिबे इल्मों ने के उसूलों के रास्ते चलने के उसूलों और हमारे मुल्क के कानून पर दिल से अमल पीरा होना चाहिए और पढ़ लिख कर अच्छी तालीम हासिल करके एक अच्छा इंसान और भारत का अच्छा शहरी बनकर अपना और अपने वतन अजीज भारत का नाम रोशन करना चाहिए। वफादारी वतन से हुई इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। इतना कि मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करते हुए मेरे उस्ताद यानी टीचर मदरसे मोहम्मदिया अंजुमन इस्लामिया के सदर जनाब सैयद शरीफुद्दीन अजीम साहब को तहे दिल से सलाम करता हूँ। इन्होंने मुझे ये सबक सिखाया है। शुक्रिया, जज़ाकल्ला। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय।